हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इशू विद करंट बैंकिंग सिस्टम। जो हम लोगों के करंट बैंकिंग सिस्टम है उसके बीच इशू क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। इससे पहले मैंने आपको बताया है ब्लॉकचेन बेसिकली होती क्या है, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, फिर ब्लॉकचेन के फीचर क्या होते हैं, हैश फंक्शन क्या होते हैं, और इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो टॉपिक बताया था SHA-256। इसके अलावा मैंने कुछ लेक्चर्स के बारे में जो आपको मिल है, आपको इसी सिलेबस के अंदर आते हैं, तो मैंने आपको जैसे कहा था कि आपको जो ब्लॉकचेन के हैश फंक्शन उसके बारे में पूरा चाहिए नॉलेज, हैश फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे ब्लॉकचेन के सारे फीचर चाहिए, SHA-256 की वर्किंग चाहिए, उसके मैंने पेड लेक्चर रखे हुए हैं, वहां से जाकर आपको खरीदने हैं, जिसकी आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको मैं लिंक और सारा कुछ बता दूंगा। इशू विद करंट बैंकिंग सिस्टम, जो आज की बैंकिंग सिस्टम है उसके इशू क्या है, तो चलिए हम जानते हैं। हम लोग को की बैंकिंग है, आज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने मेरे ऐप जो ऐप है कैंपस बड़ी, उस ऐप में गए, आप उस ऐप में गए और आपने ब्लॉकचेन का क्या खरीदा, ब्लॉकचेन का कोर्स खरीदा। आपने यदि ब्लॉकचेन का कोर्स खरीद रहे हैं तो आपने 225 रुपीज मैंने उसके रखे हैं, वो आपने पेमेंट किया, और बैंक जो मतलब जो बैंक के बीच की उस बैंक के साथ जो मेरी पार्टनरशिप है उसको, यानी मेरे 3% 2% जो मेरा जाता है अमाउंट वो जाएगा। तो मतलब आपने 250 रुपए दिए, उसका 3% बैंक ने, मतलब 250 का 3% बैंक ने 7.5 रुपए रख लिए, और बचे 7.5 से जो कम हुए 243 रुपए वो मेरे पास आएंगे। तो वह हमारा सबसे बड़ा है तो जो बैंकिंग सिस्टम का है ट्रांजेक्शन फीस है। कौन सी पहली जो है, हाई ट्रांजेक्शन फीस। जो हाई ट्रांजेक्शन फीस, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये जैसे मान लीजिए ये है एक बंदा नितेश जिसका नाम है, और दूसरा ये बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद कैब। मान लीजिए ये मोहम्मद कैब एक जो बंदा बेचता है, पढ़ाता हुआ है, पढ़ाता है, और ये नितेश मतलब एक बेचता हुआ, क्या बेचता है मतलब कुछ खरीदने गया है। मोहम्मद कैब सब्जेक्ट पढ़ाता है, अब उसको नितेश को उसके कोर्स खरीदने, तो वो गया उसके ऐप में, गया उसने उस कोर्स को बाय किया। उसने मान लीजिए वो कोर्स पहले मान लीजिए 10 रुपए का कोर्स, सॉरी 100 रुपीज का कोर्स था, उसने बाय किया, वो कोर्स 100 रुपए का 2% बैंक इसके रुपए रखते, 2% 100 का 2% 2 रुपीज बैंक ने रखे, और 98 रुपीज किसको प्रोवाइड हुए, मोहम्मद के को। यहाँ पर मान लीजिए अब लोगों ने कहना कि ये 2 रुपए 100 में 2 रुपए जाना तो ये बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए यहीं पर 1 लाख रुपीज होते, 2 लाख रुपीज होते, ये 10 लाख रुपीज होते, तो वहां का 10 लाख का 2% यानी 20,000 रुपीज बैंक रखती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हियर नितेश इज सेंडिंग 100 रुपीज टू मोहम्मद कैब, बट इट मस्ट पास थ्रू अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी लाइक अ बैंक, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बिफोर एमडी कैन रिसीव इट। अ ट्रांजेक्शन फीस ऑफ 2% इज डिडक्ट फ्रॉम दिस अमाउंट एंड एमडी कैब ओनली रिसीव 98 एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब सिंपल से कहने का है, जो नितेश ने 100 रुपए का कोर्स बाय किया था, बैंक ने 2% उसका रख लिया और बचे हुए रुपए मोहम्मद कैब को सेंड कर दिया। ऐसे ही अब लोग सोचते हैं कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, पर यही मैंने 1 लाख वाला एग्जांपल लिया। तो ये है पहला जो इश्यू है करंट बैंकिंग सिस्टम का, हाई ट्रांजेक्शन फीस, यानी कोई बैंक 2% का ट्रांजेक्शन फीस लेती है। आप अभी गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, तो आपको लगता है जैसे गूगल पे में हम लोगों ने 250 के 250 रुपए चले जाते हैं, वहां पर भी आपकी ट्रांजेक्शन फीस अकर करती है। आपको इजीली समझ में नहीं आता ट्रांजेक्शन फीस कुछ 10 अमाउंट तक होगी। जैसे आप एटीएम में जा रहे हैं तो एटीएम से आप रुपए निकालते हैं तो 3 किसी में होती है लिमिट, किसी में 5 होगी, इसके बाद आपके उससे ट्रांजेक्शन फीस ली जाती है। तो ये सबसे बड़ी इशू था, हाई ट्रांजेक्शन फीस किसका, करंट बैंकिंग सिस्टम का। अब दूसरा, डबल स्पेंडिंग। अब ये एक एरर कहा जाता है, जो डबल स्पेंडिंग है डिजिटल कैश स्कीम का एक एरर है। मतलब इसके एरर है, मतलब एक ही, जैसे आप गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, वहां पर आप लोगों ने एक ही टाइम पे गलत, मतलब कई बार सर्वर डाउन हो जाने के कारण आप एक ही टाइम पे डबल वो कर देते हो, तो वहां पर टोकन डबल बन जाते हो। वही एक गलती हुई, वहां पर गलती से होने मतलब आपके अकाउंट में 500 रुपए और आपको एक दोस्त को 400 रुपए भेजे और मान लो उसके पास फिर नहीं गए और दूसरे दोस्तों 500 रुपए, तो डबल टोकन हो गया। उस टाइम पे
उसको बैंक को बताना चाहिए जो हमारा अमाउंट है नहीं है, पर वहां पर दिखाया क्या जाता है, रुपए चले जाते हैं, एक को चले जाते हैं, एक का पेंडिंग में रह जाता है। ये डबल स्पेंडिंग क्या है, एक एरर कही जाती है। जो लिखा है, डबल स्पेंडिंग इज एन एरर इन डिजिटल कैश स्कीम इन विच द सेम सिंगल डिजिटल टोकन इज स्पेंड ट्वाइस और मोर। मान लीजिए ये पीटर एक नाम का, पीटर नाम का बंदा है जो 400 रुपए एडम को भेजता है, वही मान ले पेंडिंग हो गया, वो 400 रुपए न जाने की जगह उसने वही दूसरी बार उसको किया, गूगल पे ओपन किया या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप ओपन किया और 500 रुपए भेजे मैरी को, वो 500 रुपए चले गए। तो एक ही टाइम पे दो टोकन हुए और आपके अकाउंट में उतने रुपए नहीं थे जितनी अकाउंट में वो कर, तो ये कहते हैं डबल स्पेंडिंग। नेक्स्ट है नेट फ्रॉड एंड अकाउंट हैंकिंग। नेट फ्रॉड एंड अकाउंट हैंकिंग के अब मैं बता दूं, इंडिया में फ्रॉडिंग और अकाउंट हैकिंग बहुत टाइप से होती है। अब नेट फ्रॉड कैसे है कि आपको कॉल्स आते हैं, बताए जाते हैं ऑफर हैं, या कई बार बेसिकली वेबसाइट बनाई जाती है और आपको नए नए ऑफर लुभाए जाते हैं, और ऑफर लुभाने के बाद आपके रुपए कट जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक इशू ये भी आता है आज की करेंट बैंकिंग सिस्टम का। अब मैं आपको बता दूं, जो बेसिकली केस रजिस्टर्ड हुए 50,304 2018-19 में केस रजिस्टर हुए, जिसके 160 करोड़ रुपए सिर्फ इसी से इंडिया के गए हैं, नेट बैंकिंग और नेट फ्रॉड अकाउंट हैकिंग से। मान लीजिए इतने केस रजिस्टर किए और अभी इतने से कहीं ज्यादा जो केस रजिस्टर नहीं हुए, तो यहाँ पर सोचिए 160 करोड़ जो रजिस्टर्ड है, अभी इसी अमाउंट का दो गुना या तीन गुना अमाउंट होगा जो रजिस्टर नहीं हुआ है। तो इतना सारा रुपए नेट फ्रॉड एंड अकाउंट हैकिंग से ज्यादा, तो ये सबसे बड़ा एक मान सकते हैं इशू है करंट बैंकिंग। अब नेक्स्ट है, अब हाउ डज ब्लॉकचेन सॉल्व दिस इशू। अब इसको यदि आपको पढ़ना है कैसे इस ब्लॉकचेन ने इस इशू को सॉल्व किया, तो दोस्तों आप जाइए, मैंने ऐप के जो बताने वाला हूं, तो चलिए अब मैं आपको आपको ऐप के बारे में बता दूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐप में जाना है मेरे, मैं आपको ऐप का वो बताता हूं। ये है आपको ब्लॉकचेन, इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ब्लॉकचेन का बाय कोर्स करना है, यहां पर 225 रुपए में कोर्स मिलेगा, आपको बाय करना है। और बाय करने के बाद आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पर आपको मिलेगी पीडीएफ, और साथ में आपके हर क्वेश्चन का साथ में डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।